हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और हमारा आज का टॉपिक है बीजिंग कंसेंसस, सेंटियागो कंसेंसस एंड कैपिटलिज्म एज अ टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। तो शुरू करते हैं बीजिंग कंसेंसस से। 1976 में माओ ज़ेडोंग की डेथ के बाद डेंग ज़ियाओपिंग ने एक चाइनीज मॉडल लाया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसका नाम था बीजिंग कंसेंसस। तो मिड 1980s तक आते आते जो चाइनीज़ मॉडल आया था, इससे जो चाइना की इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करी थी। चाइना में एक इकोनॉमिक राइज आया था। तो फाइनली जोशुआ कूपर रेमो ने 2004 में बीजिंग कंसेंसस का इसको नाम दिया। पहले ये एक चाइनीज़ मॉडल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो इन्होंने 1976 में फॉलो करना शुरू किया था। अब इस मॉडल को कुछ एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, अल्टरनेटिव टू वॉशिंगटन कंसेंसस, कि ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वॉशिंगटन कंसेंसस का अल्टरनेटिव है, या इसको क्या मानते हैं, एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस व्यू भी माना जाता है। इस कंसेंसस के थ्री मेन पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन, कि लगातार एक्सपेरिमेंटेशन करते रहना है और कुछ ना कुछ इनोवेशन भी करते रहना है, कहीं पे भी रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन चलती रहनी चाहिए। सेकंड था पीसफुल डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, धीरे धीरे इकोनॉमी में रिफॉर्म्स करते रहना है, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना है, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रोथ होनी चाहिए, हर सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वेल्थ की, किसी एक ही पर्सन के हाथ में सारा पैसा नहीं होना चाहिए। ग्रोथ भी डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए और साथ में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, इकोनॉमी में चेंजेस होनी चाहिए। थर्ड पिलर था सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंक्लूजन ऑफ सेलेक्टिव फॉरेन आइडियाज, के पूरी डिटर्मिनेशन से काम करना है और जो फॉरेन आइडियाज, बाहर के आइडियाज जो अच्छे लगते हैं उनको भी फॉलो करना है। जैसे कि पहले कैपिटलिज्म को फॉलो किया मार्केट इकोनॉमी को, अगर वो अच्छे से नहीं चला तो नॉन मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल उसमें उन्होंने ऐड कर दिए। वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बात करी है कि डिटर्मिनेशन से काम करना है और जो फॉरेन आइडियाज़ अच्छे लगे हैं उनको भी फॉलो करना है। तो इसके आने से, अब ये मॉडल आया चाइनीज़ का जो भी था वॉशिंगटन कंसेंसस, ठीक है, तो इसकी अब पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लोगों ने इसको माना, बहुत अटेंशन दी कि हाँ ये बहुत अच्छा मॉडल है। अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि वॉशिंगटन कंसेंसस के आने के बाद भी 2008 में यूएस में रिसेशन आ गया था, ठीक है, यूएस में नहीं बोलेंगे हम, पूरे के पूरे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वहाँ पे रिसेशन आ गया था। यूरोप में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में रिसेशन आया था 2008 में। तो उस रिसेशन के चलते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ उस रिसेशन से हिट हुई, बट जो चाइना था, चाइना उस टाइम पे भी पूरे का पूरा स्टेबल था, चाइना की इकोनॉमी उस टाइम पे भी ग्रो कर रही थी, चाइना पे उस रिसेशन का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो उस चीज़ को देखते हुए जो बीजिंग कंसेंसस था, इसको काफ़ी अटेंशन दी बाकी की कंट्रीज़ ने। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये चाइना वाले वॉशिंगटन कंसेंसस का एक अल्टरनेटिव लेकर आए थे, एक लिबरल मार्केट अप्रोच लेकर आए थे। तो इसके चलते हुए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी चाहती थी कि वो चाइनीज़ मॉडल को फॉलो करे, बट इसमें बहुत सारे इश्यूज उनके सामने आते थे। अब देखो जो चाइना है, चाइना अपने हिसाब से काम करता है, जिस तरह से चाइना काम करता है ना, उस तरह से और कोई कंट्री काम नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि चाइना में क्या होता है, चाइना में होता है सपोज कोई पुल बनाना है कहीं पे, तो पुल बनाने के लिए चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं, बट वो पुल बनाकर ही रहेंगे, उसके लिए चाहे कितनी भी जाने जानी पड़े, गवानी पड़े, चाहे कितनी भी दुकानें तोड़नी पड़े, लोगों के घर तोड़ने पड़े, लोगों की जमीन बीच में आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन चाइना वाले पुल बनाना चाहते हैं तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनको लोगों की परवाह नहीं है, लोगों की जान जाती है तो जाए। बट बाकी की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। अब इंडिया में ही बात कर लो, इंडिया में कोई पुल बनाना है तो उसके लिए 100 बातें सोचनी पड़ती है, पहले देखना पड़ता है, पुल बनाने के लिए हमें ज़मीन चाहिए, ठीक है, अब वो ज़मीन जिस बंदे की है उस बंदे को उस ज़मीन का रेट देना पड़ेगा, जितने की ज़मीन है उससे खरीदनी पड़ेगी, या किसी का घर बीच में आ रहा है तो उसको उस घर की कीमत देनी पड़ेगी, इवन के घर की एक दीवार भी आ रही है ना, तो उस दीवार की भी कीमत उस बंदे को देनी पड़ेगी, और जान जाने की तो बात ही नहीं हो सकती। इंडिया में लोग खड़े हो जाते हैं, धरने लगाने लग जाते हैं, तो
बाकी की कंट्रीज में ऐसे मॉडल्स को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। चाइना वाले अपने हिसाब से काम करते हैं, वहाँ पे हो जाता है, लेकिन बाकी की कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है। तो 2010 तक आते आते जो बीजिंग कंसेंसस का मॉडल था, इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो डेवलपिंग वर्ल्ड था, वो उन्होंने काफ़ी अपना इंटरेस्ट शो किया। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चाइना में भी थोड़ा सा डाउन टर्न आया रिसेंट टाइम में। अब चाइना में डाउन टर्न आने के बाद फिर एक्सपर्ट्स ने क्या बोला, एक्सपर्ट्स ने एडवाइस दी कि अगर आप चाइनीज मॉडल को फॉलो करना चाहते हो तो करो, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप पूरे कॉशियस होकर इसको फॉलो करो, डबल कॉशनल लो, ठीक है, पूरे ध्यान से इसको फॉलो करो, ऐसे ब्लाइंडली इसको फॉलो मत करो। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना था कि बीजिंग कंसेंसस आने थे, चाइनीज मॉडल आने के बाद जो डेवलप्ड वर्ल्ड था, स्पेशली यूएसए यूके जैसी कंट्रीज थी, तो उनमें भी एक प्रोटेक्शनिज्म बड़ा था उनमें चाइनीज मॉडल को देखकर, क्योंकि चाइनीज मॉडल को लोग बहुत मानने लग गए थे, क्योंकि चाइना की ग्रोथ बहुत हो रही थी, तो उनको लगा कि सारे उस मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रोटेक्शनिज्म लेकर आ रहे थे यूएस यूके जैसी कंट्रीज की, उनको भी डर पैदा हो गया था कि चाइना इतनी ग्रोथ कैसे कर रहा है, क्योंकि चाइना एक टाइम पे इतना ज़्यादा ग्रो कर गया था कि यूएसए से भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी चाइना की। आज की डेट में भी चाइना आगे ही है यूएसए से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंटियागो कंसेंसस की। सैंटियागो कंसेंसस भी एक वाशिंगटन कंसेंसस का ही अल्टरनेटिव है। इसका आइडिया दिया था वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जेम्स डी वुल्फजॉन ने, सैंटियागो में डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिया था। इसका कोर आइडिया क्या था सैंटियागो कंसेंसस का, इसका कोर आइडिया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी ही करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल ग्रोथ भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक के साथ सोशल ग्रोथ होनी भी ज़रूरी है, मतलब कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था ये, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट भी करनी है। तो इस मॉडल को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल भी बोला जाता है। इसके भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स थे, कुछ लोकल करैक्टरिस्टिक्स थे। अब ये वाला जो मॉडल था ये बीजिंग कंसेंसस जैसा ही देखने को लग रहा था, बट इसमें सोशल ओवरटोन ज़्यादा थी, इसमें सोसाइटी को भी इंक्लूड करा था, जबकि जो बीजिंग कंसेंसस था उसमें सोशल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, जबकि सैंटियागो कंसेंसस में सोशल डेवलपमेंट की भी बात करी गई थी। अब इससे क्या हुआ, इससे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, उस वर्ल्ड बैंक ने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस के हिसाब से अब जो बाकी की कंट्रीज थी उनको क्या एडवाइस करी, वर्ल्ड बैंक ने एडवाइस किया कि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जोर दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, अपने इकोनॉमी को ओपन करो, पार्टनरशिप लेकर आओ, बेसिकली ग्लोबलाइजेशन लेकर आओ, ठीक है। तो इस तरह से जो वर्ल्ड बैंक थी ना, वर्ल्ड बैंक एक नॉलेज बैंक की तरह काम कर रही थी, कंट्रीज को नॉलेज दे रही थी कि इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आइडियाज़ दे रही थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाओ, अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, पार्टनरशिप के साथ काम करो, ग्लोबलाइजेशन लेकर आओ, ऐसे आइडियाज़ दे रहा था। कौन दे रहा था, वर्ल्ड बैंक, इसीलिए वर्ल्ड बैंक को बोला जाता है नॉलेज बैंक। तो ये वाला जो आइडिया था, ये वाला आइडिया इंडिया ने भी फॉलो करा था बाद में, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल लेकर आए थे इंडिया वाले भी। तो ये देखने को मिलता है इंडिया में 2002 में इंडिया ने इस मॉडल को, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉलो करके थर्ड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटलिज्म एज अ टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन। अब क्या हुआ, पहले कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म यूएस ने कैपिटलिज्म फॉलो किया और उसके साथ वेस्टर्न की और भी बहुत सारी कंट्रीज ने कैपिटलिज्म को फॉलो किया, बट उसके चलते हुए 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद कंट्रीज ने अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके कंट्रीज ने मिक्स्ड इकोनॉमी में चेंज कर लिया, कैपिटलिज्म के साथ साथ स्टेट को भी साथ में इन्वॉल्व कर लिया, कुछ जो नॉन मार्केट के प्रिंसिपल्स थे उनको भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो बट उसके बाद भी हमने देखा 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, बट के उसके बाद भी कुछ कंट्री सुधरी नहीं, उन्होंने फिर से कैपिटलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके दो एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, एक तो वाशिंगटन कंसेंसस के टाइम पे पोस्ट 1985 के अराउंड, ठीक है,
ठीक है, वाशिंगटन कंसेंसस आया था तो उस टाइम पे उसका इन्फ्लुएंस पड़ा कंट्रीज पे, उसको फॉलो किया, उसमें भी बेसिकली कैपिटलिज्म की ही बात करी गई थी। सेकंड टाइम ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करके, ग्लोबलाइजेशन भी गया था, ग्लोबलाइजेशन भी तो कैपिटलिज्म की तरफ ही जा रहा था ना, तो WTO ने इसका आइडिया दिया था ग्लोबलाइजेशन का। तो ये बात है पोस्ट 1995 के अराउंड की। तो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि पहले तो ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में कैपिटलिज्म की वजह से, और दूसरी बार फिर ग्रेट रिसेशन आया था US सब प्राइम क्राइसिस 2007 के बाद। ग्रेट रिसेशन ने जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको हिट किया, उनको बहुत ही भयंकर तरीके से अफेक्ट करा था ग्रेट रिसेशन ने। तो इस तरह से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ने दो बार कैपिटलिज्म के डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखे, बहुत ही भयंकर नतीजे देखे कैपिटलिज्म के। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, ओवर द टाइम जो वर्ल्ड था उन्होंने क्या सोचा कि कैपिटलिज्म एक कोई एक आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, एक कोई सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है कैपिटलिज्म। हाँ, बट कैपिटलिज्म ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ग्रोथ करनी है तो कैपिटलिज्म भी लाना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म ग्रोथ को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो कंट्री की जरूरी है ना, तो कैपिटलिज्म जरूरी भी है, बट कैपिटलिज्म एक आइडियल टाइप भी नहीं है इकोनॉमिक सिस्टम की। तो इसीलिए अब कंट्रीज ने क्या किया कि कैपिटलिस्टिक पॉलिसी को भी मानना, ठीक है, उसकी तरफ भी जा रहे थे, प्रो बिजनेस पॉलिसीज, क्योंकि ग्रोथ तो करनी है, बट ओवरऑल जो उन्होंने अपनी इकोनॉमी का डिजाइन रखा था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब एक साइड पे कैपिटलिस्टिक भी काम करेंगे अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और दूसरी साइड इफेक्टिव वेलफेयर भी होता रहेगा, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा बहुत बीच में होता रहेगा। यही पॉलिसी शिफ्ट इंडिया में भी देखने को मिलती है, बट इंडिया में 2015-16 के बजट में इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया था। उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात फिर क्लैरिफाई करी बजट में कि ये प्रो कॉरपोरेट तो है बट साथ ही साथ प्रो पुअर भी है, ये गरीब लोगों की भी हेल्प करेगा। अकेला हम कॉरपोरेट ही नहीं लेकर आएंगे, कैपिटलिज्म ला रहे हैं बट स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी साथ में रहेगा। तो बेसिकली ओवर द टाइम एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि जो कैपिटलिज्म है वो इकोनॉमिक सिस्टम तो ठीक है बट वो प्रॉपरली काम नहीं करता, ठीक है। वो इकोनॉमी की जो ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, इनकम को प्रमोट करता है कैपिटलिज्म, बट ओवरऑल इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो कैपिटलिज्म के साथ साथ मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल लाना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, जिसमें हम बात करेंगे GDP, GNP, NNP वगैरह के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।